अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों मेरी बहनें, आज मेरे साथ मौजूद है मेरे पुराने दावती साथी शेख जावेद मदनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख हमारे साथ इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर में कई साल रहे, फिर उनका मदीना में एडमिशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में वो पढ़कर जब वापस आए तो आने के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लियतुर राशिदातिल इस्लामिया नाम का एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मदरसा स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के एहसान से ये मदरसा बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफलाइन जो उनका बैच है वो तो अभी माशाल्लाह आलमियत तक पहुंच गया है, और जो ऑनलाइन का जो बैच है माशाल्लाह लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है और बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया है अल्लाह के एहसान से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये वीडियो में कि अभी ये सहूलत आ चुकी है कि आप जिस किसी शहर में, गाँव में, जहाँ कहीं आप रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर बैठे भी दीनी इल्म हासिल कर सकते हैं। यह मदरसा अभी तो सिस्टर्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और सिस्टर्स के लिए शुरू किया गया है, लेकिन एक बहुत ही सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे आलिमियत का सिलेबस दे रहे हैं। मतलब क्या मामला है कि यह कोई लाइट वेट इस्लामिक कोर्स नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब कोई दीनी दर्स आप सुनते हैं, कोई इस्लामिक वीडियो देखते हैं, कोई खुतबा या बयान सुनते हैं, तो कोई चीज तो सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन मदरसे के सिलेबस में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, एक सिस्टमैटिक लेवल बाय लेवल का कोर्स होता है। तो शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स बनाया है जिसके अंदर एदादी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले ईयर के बाद 4 साल आलमियत है और 2 साल फजीलत है, यानी टोटल फजीलत अगर आपको खत्म करनी है तो 7 साल का कोर्स है, और आलमियत तक पढ़ना है तो 5 साल का कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कई सारी सहूलतें यूज़ की है, और जूम के अंदर खुद माशाल्लाह जो कोर्स पढ़ाया जाता है जूम के जरिए, तो उसके अंदर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, पीडीएफ का इस्तेमाल करके, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके माशाल्लाह एक इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस क्लासरूम का बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक पूरी सिस्टर्स की कम्युनिटी है, और मुझे ताज्जुब इस बात से हुआ, यहाँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं शेख के साथ बात कर रहा था तो मैंने जस्ट एक सवाल उनको पूछा कि शेख आपका क्या कहना है कि हमारे माशरे की जो लेडीज़ हैं वो कितनी लेडीज कर पा रही हैं ये कोर्स एक्चुअली। तो उन्होंने बताया आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि कई सिस्टर्स मोर देन 55 ईयर्स की एज है उनकी, 55 साल से ज़्यादा उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा का कोर्स कर रही हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे माशाल्लाह, क्योंकि यकीनन एक चीज़ भी अगर एक इंसान सीखता है, कल अगर इंसान का इंतकाल होने वाला है, आज अगर सीख ले तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं सोचा कि इसका एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश किया जाए, और आप सबको मैं इंकरेज करना चाहता हूं कि आप अपने शहर से बैठकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को क्लिक करिए इंशाल्लाह, और ये चीज से आप अपने घर बैठकर सिस्टमैटिक तौर पर अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुरान सीख सकते हैं, हदीस सीख सकते हैं, फिक्र तफसीर सारे जो मैदान है वो बेहतरीन तौर पर सीख सकते हैं। मैं शेख से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मुख्तसर 2 मिनट का इंट्रोडक्शन कुल्लियतुर राशिदातिल इस्लामिया का जरूर पेश करें हमारे व्यूअर्स के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लियतुर राशिदातिल इस्लामिया, जैसा कि जनाब जैद साहब ने आपके सामने मुकम्मल तारुफ कर दिया है, तो अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये कि उसके अंदर कुछ हमारे पास जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से है। ऑफलाइन करीब में रहने वाली यानी जो मालूनी महाड़ा के करीब में रहती हैं वो लोग आ जाकर तालीम, मुंबई शहर में आ जाकर तालीम हासिल कर सकती हैं, और जो दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ पर मदरसे नहीं होते हैं, और ऐसी ख्वातीन हैं कि वो शादी हो चुकी है मदरसे में एडमिशन नहीं ले सकती है, या ये कि उनकी एज हो गई है मदरसे में नहीं एडमिशन हो सकता है, या ये कि अब उम्र हो गई है अपने बच्चों को संभालना है, उनकी तरबियत करना है, तो वो मदरसे में बाकायदा जा कर के रह करके तालीम हासिल नहीं कर सकती है, और अपने शहर को छोड़ करके जाना तो ये भी मुश्किल चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाए, और ये कोर्स जो है मुकम्मल आलिमा का जो एक कोर्स होता है कि जो ख़ुद से कुरान हदीस और इसी तरह से फ़िक्र की किताबों को ख़ुद से अपने लेवल पर समझ करके दूसरों को समझा सके, ये सलाहियत उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है जिसमें आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़ुद भी शिरकत करें और शरीक होने पर उभारें, ताकि दीन का इल्म हर इलाके में और हर घर में पहुंच जाए, इससे पहले कि जैसा जहालत हम देख रहे हैं और तबाही हम देख रहे हैं कि किस तरह से माशरे में आम हो रही है।
मैं आप सबको उभारता हूँ, माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, आप खुद भी इसमें ज्वाइन करने की कोशिश करिए। भाइयों से उभारता हूँ क्योंकि घर की लेडीज़ का थोड़ा जहन बनाएं और थोड़ा उन्हें हिम्मत दिए इंशाल्लाह, ताकि वो खुद इल्म हासिल करें। यकीनन हमारे माशरे की औरतें अगर दीनी इल्म हासिल कर लें तो हमारी अगली पीढ़ी में दीन की बेहतर समझ होगी इंशाल्लाह, हमारे माशरे में बहुत सारी गलत चीज़ें ख़त्म होगी। तो मैं आप सबको उभारता हूँ, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कुलियतुर राशिदातिल इस्लामिया के बारे में और वो लोग भी इसमें इंशाल्लाह एडमिशन ले सकें। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।